हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको पहले की तरह ही एक नए वेबसाइट के बारे में जानकारी दूंगा, जिस पर आप अपने को रजिस्टर करके अपना प्रोफाइल बनाकर पार्ट टाइम या फ्रीलांस जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया है कि आजकल इकॉनमी बड़ी तेजी से बदल रही है, और इस बदलते इकॉनमी में सरवाइव करने के लिए कंपनियां भी अपने काम करने के तरीके को बदल रही हैं। आजकल ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अपना काम फ्रीलांस और पार्ट टाइम वर्कर से कराना चाहती है। इससे उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, उनका प्रोडक्ट और सर्विस सस्ता हो जाता है। साथ ही ये फ्रीलांस और पार्ट टाइम वर्कर के लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, आप अपने आप को किसी भी वेबसाइट जहां पे कि पार्ट टाइम और फ्रीलांस जॉब अवेलेबल है, उस पर रजिस्टर करें, अपना प्रोफाइल बनाएं और अपने लिए एक अच्छी इनकम करें। दोस्तों, आज जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है Toogit.com। हाँ दोस्तों, Toogit.com, Toogit.com यह एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है। इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और ये फ्रीलांस और पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए जॉब पाने का यानी काम पाने का एक बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। इस पर 1.5 लाख से ऊपर फ्रीलांस वर्कर जो हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर रखे हैं। इसमें हर तरह के काम अवेलेबल हैं और उनको वेबसाइट पे कैटेगरीज वाइज डिस्प्ले किया गया है। आप अपने हिसाब से किसी भी कैटेगरी में जाकर अपने लिए पार्ट टाइम और फ्रीलांस जॉब ढूंढ सकते हैं। Toogit.com पे जब आप कस्टमर सपोर्ट क्लिक करते हैं तो Toogit हेल्प सेंटर खुलता है। जिन लोगों को भी Toogit के साथ काम करने में कोई भी समस्या आती है, उसके बारे में इस में जानकारी दी हुई है या बतलाई गई है। दोस्तों, साथ ही जब आप FAQ को क्लिक करते हैं तो वहां एक पॉपअप आता है जिसमें फ्रीलांसर का ऑप्शन होता है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो फ्रीलांसर्स के मन में जितनी भी संभावित प्रश्न होते हैं वो वहां पे उसके जवाब दर्शाए गए हैं, जिससे आपको काफी मदद मिल जाती है। तो अब आपने देखा कि इस वेबसाइट पे हर कैटेगरी का काम है, अतः जो लोग इम्प्लॉयड हैं, अनइम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं और वो अपने लिए एक अच्छी इनकम करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, वो अपने आप को इस वेबसाइट पर रजिस्टर करें, अपना प्रोफाइल बनाएं और इस पे काम करना शुरू कर दें। ये एक जेन्युइन वेबसाइट है और आपका पैसा भी काफी सेफली आपके अकाउंट में आ जाता है। अब हम आपको लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जहां पे हमारे कुलीग और साथी मिस्टर नितिन, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना, प्रोफाइल बनाना, प्रोजेक्ट निगोशिएट करना और प्रोजेक्ट को बिड करना, काम करके प्रोजेक्ट को कैसे क्लाइंट तक भेजा जाता है, इस सारी चीजों की जानकारी देंगे। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ओवर टू नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और मैं आज आपको Toogit.com पे कैसे प्रोफाइल बनाते हैं ये बताऊंगा। तो आइए चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर पे। ये हम अपने क्रोम ब्राउजर पे आ गए हैं। अब इसके एड्रेस बार में हम Toogit.com टाइप करेंगे। ये वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है, तो हम एक बार आपको इस वेबसाइट का लेआउट दिखाए थे। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट ने अभी तक जो फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और किस टाइप के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे उनको शॉर्ट करके दिया है। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, राइटिंग जॉब्स, SEO SMO, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग वर्क, सपोर्ट एंड असिस्टेंस। तो यहाँ पे इस टाइप की जॉब्स मिलती हैं यहाँ पे। ये इनके कुछ रिव्यूज हैं, और आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ पे टॉप स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पे टॉप स्किल्स में हमको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस और कैटेगरीज हैं कि हम कोई भी हमारे पे अगर स्किल्स है तो उससे हम इससे मिलते हुए स्किल्स जो है आपको
यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती है, बैक एंड डेवलपमेंट आती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आती है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग आती है, टेस्टिंग आती है, तो आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में है, आपको iOS या एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती है, विंडोज ऐप डेवलपमेंट आती है, तो आप इस कैटेगरी में चले जाइए। SEO, अगर आपको मार्केटिंग में SEO, ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स एंड टेली मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है, राइटिंग जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पे, या SEO की जॉब्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे ऑडियो वीडियो एडिट करके भी पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइनिंग में आप लोगो, ग्राफिक और कोई भी और भी अदर क्या नाम है डिज़ाइनिंग वर्क करके आप यहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट है, तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं हमारे पैसे कमाने के, पार्ट टाइम और फुल टाइम यहाँ से आप प्रोजेक्ट जो है उठा सकते हैं। तो हम चलते हैं साइन अप करने के, कैसे हम इसमें पहले प्रोफाइल कैसे बनाते हैं हम ये देख लेते हैं। तो चलते हैं हम साइन अप करने। ये साइन अप पे मैंने क्लिक किया तो फिर एक ये पेज खुल गया है, तो यहाँ पे वाई टोगेट लिखा हुआ है, लोएस्ट कमीशन रेट है, सोशल मीडिया फ्रीलांसर्स है, और यहाँ पे और भी यहाँ इसकी जो बेनिफिट्स है यहाँ पे वो लिखा हुआ है। यहाँ पे स्पैमिंग नहीं होती प्रोजेक्ट्स की, ये लोग फेक प्रोजेक्ट्स नहीं डालते यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं। आप फॉर्म फेसबुक, गूगल अकाउंट और लिंक्डइन के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, मगर मैं आपको मैन्युअली ईमेल के थ्रू कैसे लॉगिन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम चलते हैं अपना लॉगिन का फॉर्म फिल करने के लिए। तो हम अपना फॉर्म फिल करते हैं। ये हमारे एक कलीग हैं, उनका मैं प्रोफाइल आज क्रिएट कर रहा हूँ। ये प्रोफाइल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे अपनी सारी जो डिटेल्स जो है आप सही डिटेल्स डालेंगे, और अब यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप डालिएगा जिससे कि आपका कोई पासवर्ड हैक ना कर सके। तो अभी मैंने यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर दिया है और मैं यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ मुझको अपना ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो हम अपने ईमेल आईडी से इसको वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ मैंने अपने ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन के लिंक को, एक्टिवेशन के लिंक को क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या आप यहाँ पे फ्रीलांसर हायर करना चाहते हो या आप ऑनलाइन वर्क देख रहे हो। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन वर्क देख रहे हैं, तो आई एम अ फ्रीलांसर पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे से ये पूछता है कि हमारा किस किस चीज़ में एक्सपीरियंस है, और हमें, और दूसरा जो है ये पूछता है कि हमारा कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो हम अपने की स्किल यहाँ पे हम किस किस में एक्सपर्ट हैं तो हमें यहाँ पे डालना होगा। तो हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे एंड को ये नहीं लेता है, तो सेल्स, सेल्स मैनेजमेंट और जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और हम एक और अपना एक स्किल्स यहाँ पे डाल देते हैं। सेल्स मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, सेल्स कंसल्टेंट, और हमको इसमें जितना आपको एक, ये तो मैं एक जो प्रोफाइल बना रहा हूँ वो एक डमी प्रोफाइल है, आप अपनी यहाँ पे सारी जो रियल चीज़ें हैं वही डालिएगा। यहाँ पे अब ये पूछ, यहाँ पे मेरे से एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे 7 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल का आपका जितना भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ ये एक्सपीरियंस फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का एक बटन है, आप इसको नेक्स्ट के बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इस पेज पे आने के बाद ये आपके बारे में और कुछ भी बहुत जानना चाहता है, तो आप यहाँ पे अपनी सबसे पहले यहाँ पे एक अपनी फ़ोटो जो हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल की पिक आपने यहाँ पे अपलोड कर दी, और अब यहाँ पे आपसे आपके प्रोफाइल का जो हेडलाइन है वो यहाँ पे डालेंगे। मैंने यहाँ पे टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल डाला है, जो ये डमी है, आप अपना ओरिजिनल डालिएगा। तो यहाँ पे आपसे आपके बारे में पूछ रहा है कि अपने प्रोफेशन के बारे में जो है ब्रीफ में यहाँ पे बताइए। तो मैं यहाँ पे मेरे को
आप टाइप करके डाल दीजिएगा या आपने ऑलरेडी पहले से टाइप कर रखा हो किसी डॉक्यूमेंट में तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कैसे यहीं पे लिख के रखा हुआ है तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना ओवरव्यू यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछता है कि आप अपना आवरली जो रेट है वो आप यहाँ पे सेट कीजिए। सबसे पहले तो ये आपको करेंसी सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो एक USG में आप दे सकते हैं या INR में दे सकते हैं। तो हम इंडिया से हैं, इंडिया में हैं तो हम INR पे देते हैं। तो यहाँ पे हमसे आवरली पूछ रहा है कि आपको कितना आपका आवरली रेट है, तो मैं यहाँ पे अपना आवरली जो रेट है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे यह रेट डाला है 150, ये पर आर का है। उसमें 8% का जो सर्विस फीस है ये टोगेट का है। तो यहाँ पे आपको अगर एक घंटे अगर किसी के लिए काम करते हैं तो आपको 138 रुपये पेड होगा टोगेट की तरफ से, और 12 रुपये उसका सर्विस चार्ज होगा। तो ये सेट करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे आपकी लोकेशन पूछता है, आप अपनी लोकेशन पूछता है, लोकेशन और आपकी अवेलेबिलिटी पूछता है, अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप एक हफ्ते में आप कितना घंटे आप काम कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन खुलेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर आप फुल टाइम काम करते हैं 30 घंटा पर वीक, या आप 10 से 30 घंटा काम करना चाहते हैं पार्ट टाइम, लेस देन 10 घंटे काम करना चाहते हैं, और आप नॉट श्योर नहीं है अगर टाइमिंग के लिए तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर करंटली अगर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे करंटली ऑन लीव नॉट अवेलेबल टू हायर, आप इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको मैं अगर फुल टाइम पे अगर क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आप मेरी जो है लोकेशन पूछता है, तो हम यहाँ पे अपनी लोकेशन डाल देते हैं। ये मेरे ब्राउज़र में ऑटो डिटेक्ट कर लिया मेरी लोकेशन, क्योंकि दिल्ली से, और यहाँ पे टाइम जोन जो है एशिया कोलकाता ले लिया है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर मेरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो हमारा प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो गया है। हमने करेंसी अवेलेबिलिटी और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अपडेट कर ली है। तो हमारा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, हम आपका जवाब वीडियो बनाकर देंगे। साथ ही जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है वो भी कमेंट बॉक्स में ये लिखकर भेजें कि उनको ये वीडियो क्यों पसंद आया है और हम इसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए और क्या कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बात और, जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे भी दबा दें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे।